आइए इस कवि सम्मेलन का एक कलश रखते हैं, एक बड़ा नाम हिंदी कविता का, ग्लोबल नाम, जिसे नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक सब प्रेम करते हैं, ऐसे एक प्रेम पुरुष डॉक्टर कुमार विश्वास को मैं बुलाता हूं। गुलाबी नगरी जयपुर के बहुत महनीय श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अगर आज ये भास्कर का कार्यक्रम न होता तो संभवतः मैं आज यहां नहीं होता। मेरे डॉक्टर ने कहा कि गला बहुत खराब है और आपको बुखार भी है, लेकिन इस देश का जो हाल है इन दिनों और ये जो मौका है आज का, इन दोनों को देखकर मुझे लगा कि हजारों हजार लोग होंगे, विशेषकर पूरे राजस्थान का युवा होगा जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आया है, जयपुर यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज से बच्चे आए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरे लिए ये पारितोष की बात है, ये उपलब्धि की बात है कि मेरे बड़े आदरणीय और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की राजनीति के एक ऐसे प्रांजल नक्षत्र जिन्होंने राजनीति के बदलते मूल्यों में भी अपनी व्यक्ति निष्ठा को ध्रुव तारे की तरह अटल रखा, आपके प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय कलराज मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पत्थर फिकाओ, ये राजस्थान है, यहाँ राजनेताओं की लगी आग में ना एक बस जली है ना एक पत्थर फिका है, ये वो राजस्थान, ये वो राजस्थान है जहां महाराणा प्रताप की सेना का सेनानायक हाकिम खां पठान है, ये वो राजस्थान है जो गंगा का जमनी संस्कृति का राजस्थान है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप जिस तरह सुन रहे हैं मैं आग्रह करूंगा और आशा करूंगा कि आप मुझे स्वस्थ कर देंगे। मैं बहुत आभारी हूँ गिरीश जी का, ये पूरा परिवार, मुझे याद है कि आदरणीय रमेश जी ने अंतिम कवि सम्मेलन बैठकर सुना था यहाँ पर, और बड़े मन से ऊपर आए थे वो, और सुधीर भाई साहब ऊपर आए थे। आप लोग इतना बड़ा अखबार चलाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाते हैं, उसके बाद भी आपके अंदर जो विनम्रता है तीनों भाइयों के अंदर, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी, अब बताइए महामहिम में राज्यसभा जाके क्या करता, बताइए, जो मजा रोज रात को यहाँ आता है वहां कृपया शांत रहिए, बैठ जाइए, कौन उसमें झक मराया जाके। कि किसी, आपका अच्छा है राजस्थान वालों का, कोई तनाव ही नहीं है, 5 साल तू आ जा, 5 साल तू आ जा, और दोनों को गलत फहमी रहती है कि हम जीते हैं, उनको भी रहती है और इनको भी रहती है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह करिए, स्वामी रामदेव जी ने भी कहा है करने से होता है। सुनील जोगी ने स्वामी जी के ऊपर टिप्पणी की, मैं नहीं करूंगा, मैं उनका भक्त हूं और वो मेरे प्रशंसक हैं। मैं तो IIM में जाता हूं हर साल, लड़कों से कह के आता हूं कि बेटा पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग कुछ भी सीखो, बेचना कैसे है ये बाबा से सीखो। ठीक बात, बाबा ने 12 साल टेलीविजन पे कहा पूरे देश से, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, हम लोगों ने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। अच्छा इसमें समस्या क्या है, ये जो सबसे आगे बैठे हैं ना शहर के बड़े वाले स्पॉन्सर्स सेठ लोग, ये ताली नहीं बजा पा रहे, राजनीतिक टिप्पणी में चुप रह जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इनके बही खाते में तो GST है और छाती में मोदी। एक बार खाता देखते, एक बार छाती देखते, एक बार खाता देखते, एक बार छाती देखते। मुझे स्वामी रामदेव जहाज में मिले थे, मुझसे कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दे। अरे मैंने कहा तुम गौमूत्र को रो रहे हो, हमारी कविताओं पे लग गई यार, 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। कि किसी के दिल की मायूसी, 3 बार पढ़ी है मैंने ये, जब तक वाह नहीं करोगे यही आएगी, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है हमारी। तुम्हारी दाद अच्छी है पर टाइमिंग खराब है, राज्यसभा के टाइम पे हमारी भी यही खराब थी। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है,
थोड़ा सा खुला है, थोड़ा और खुल जाएगा आपकी तालियों से। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वाह भाई वाह, वाह कुमार वाह वाह। मैं तो गुजरात गया था, मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि आपने जिसे भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, यार ये बताओ हमने एक मांगा था, तुमने दो क्यों भेजे? निर्मा की थैली के साथ लक्ष्य की बट्टी फिरी। और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है, वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, जब से वो गृहमंत्री बने कोई मांग ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, बताइए जरा, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। वाह करिए, मैं 101 में सुना रहा हूँ, आप तो बिना बुखार के हो। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, बताना अपने हाथों से, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वाह भाई वाह वाह वाह। पंक्तियाँ सुनिए, आपकी सुनी सुनाई पंक्तियाँ हैं, अनुरोध करता हूँ मेरे साथ गुनगुनाइए गाइएगा। कि कोई दीवाना कहता है, वाह, 50,000 से ज्यादा लोग हैं, मैं अकेला क्यों गाऊं? मेरे डॉक्टर साहब मुझे बैठ के घूर के देख रहे हैं कि मना किया था जोर से मत गाना, मैं गाऊंगा, लेकिन आप भी गाइएगा, जितने पीछे तक है आवाज आनी चाहिए। और आज अच्छा, सबसे अच्छा रहा कि रात भर में पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई, वो देश कोई क्रोध करने लायक थोड़ी है, वो तो आनंद लेने लायक है। कैसा देश है, आप देखिए, आप हमारे बड़े प्रशंसक हैं, वहां बड़े दोस्त हैं बड़े, लेकिन मजा आता है उनसे बात करें, वो खुद भी हंसते हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अंदर घुस के मार दिया, तो सुबह को उनके गृहमंत्री का आधिकारिक बयान ऐसा था कि 3 कवि सम्मेलन न्योछावर। उससे पत्रकार ने पूछा, बोले साहब वो हिंदुस्तान के जहाज अंदर घुस गए, कितना नुकसान कर गए? जवाब सुनो, बोले वो अंधेरे की वजह से पता नहीं चल पाया। मैंने कहा खां साहब घर जाओ, वहां भी लाइट नहीं थी। मतलब ऐसे ऐसे तो ये तो गृहमंत्री हैं उनके, हैं? अच्छा, उसने बयान दिया भाई साहब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सवाल उठाया, उनके एक सांसद हैं बिलावल भुट्टो, उनके यहां भी हैं, तो बिलावल भुट्टो ने, तुम ताली देर से बजाते हो यार, समझ, तो बिलावल भुट्टो ने पूछा, बोले साहब वो जहाज अंदर घुस गए, हमको पता कैसे नहीं चली? अब देखो जवाब और फिर मजे लो 3 दिन। उनके रक्षा मंत्री का जवाब सुनो, गृहमंत्री के बाद, बोले साहब वो जहाज अंदर घुस गए आपको पता नहीं चली? तो रक्षा मंत्री बोले हमारी रडार पता नहीं लगा पाई। मैंने कहा बेटा चीन से माल लोगे? तुम्हारी रडार नहीं चली, हमारी दिवाली पे झालर नहीं जली यार। हाँ बताओ आप, तो ऐसा अद्भुत देश है। अब हमसे लोग कहते हैं, भास्कर के मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम, कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता नहीं लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे? मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूँ, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों,
आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजानी है तो बजा लो। बस जयपुर में जून में 3 लड़कियां मुंह पे दुपट्टा बांध के स्कूटी से निकल जाएं, भास्कर के सिटी एडिशन में फ्रंट लाइन छपती है, जयपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा और हमारे यूनिवर्सिटी के 15 लड़के बेहोश हो जाएं, राजस्थान में नशे की लत फैली। वाह भाई वाह, ये लू और हम लूलू। मजे पूरे लो, वाह मिलनी चाहिए। निवेदन करता हूं कि तबीयत ठीक है, मेरा डॉक्टर घूर के देख रहा है मुझे कि कर क्या रहा है ये, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। गाओ कि मोहब्बत एक पवन जी सोच रहे हैं कि ये 10 लाख बेकार चले गए, जब सबको ही आती तो किसी को खड़ा कर देते। कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो आगे से पीछे तक तालियों का महोत्सव गूंजता होना चाहिए ताकि कवि सम्मेलन होता दिखाई दे। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो अच्छा, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, महामहिम की उपस्थिति है, लेकिन आप कहें तो मैं 2 मुख तक राजनीति की सुना दूं, नाम नहीं लूंगा किसी का। अखबार का प्रोग्राम है, बात तो छपनी चाहिए कि कुमार विश्वास क्या बोला, लेकिन पहली लाइन पर जो दाद आए तो मैं समझ जाऊंगा कि जयपुर से ज्यादा राजनीतिक जगह कोई नहीं है। यहां मतलब कोई अखबार किसी चीज के सर्वे की जरूरत नहीं है, यहां बैठा बैठा आदमी टेम्पू में कह देता है भैया इस बार नहीं बच रही। मैं गीत की पंक्ति पढ़ूं तो पूरे सदन की दाद जुमलों से ज्यादा आए, ठहाकों से ज्यादा आए। निवेदन करता हूं जी भाई कि मुझे मेरे टाइम पे आता है चाय वाला। 2014 में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ। उबाली हमने बेच हो गया। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति पर आपके स्वाभिमान को आमंत्रित करता हूं। सत्ताएं 5 साल, 10 साल, 15 साल, कविता 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल। पंक्ति पढ़ रहा हूं सुनना। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह करना जिनको समझ आ जाए, आप सब भी जीएसटी के मारे हुए। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है। हाय हाय वाह, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है। झगड़ा क्या था, हमारी राजनीति क्या थी, मैं 2 पंक्तियों में पढ़ूं तो शौर्य के लिए शीश कटा देने वाला राजस्थान की तेजस्विता उसकी दाद और इस ठंड में तालियों में महसूस करना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है। सुनना जयपुर वालों, उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा। पीछे तक तैयार रखना हाथ। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। भाई वाह, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। एक मुख तक विशेष रूप से सुनाता हूं। ये जो पीछे युवक बैठे हैं इनमें से बहुत सारे आरएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस भास्कर के उत्सव में ठंड में जिसके शॉल में तुम आधे लिपटे हुए हो, अगर इस दोस्त को भूल गए तो ना भविष्य दरवाजे खुलेगा ना वर्तमान आदर देगा। ABP News आपको
आपको रखे आगे।